नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से दमदार जीत हासिल कर पाए हैं। वह मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक व नेता प्रतिपक्ष भी है। ऐसे में विधानसभा की सदस्यता छोड़ते हैं या लोकसभा की, इस पर मंथन जारी है। नफा नुकसान के आकलन के बाद जल्द ही निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधायक व नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रह सकते हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से सफलता प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सदस्यता छोड़ दी थी। सपा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला और विधानसभा से लेकर सड़क तक में लगातार भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आए। इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया है, उस पे समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतने में कामयाब रही और प्रदेश की नंबर वन और देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनने में सफलता हाथ लगी। सूत्रों के अनुसार अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया केंद्र की राजनीति पर सक्रिय होते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो प्रदेश में रहकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में फोकस कर सकते हैं। ऐसे में कन्नौज लोकसभा सीट भी छोड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल देखें तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं दमदार प्रदर्शन करती हुई नजर आई उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने अकेले दम पर 37 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, ये अपने आप में दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से दमदार किया है। जानकारी दे दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, लेकिन बसपा 10 सीटें जीतने में कामयाब रहती है तो वहीं समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव महज 5 सीटों पर सिमटते हुए नजर आते हैं। अब 5 से 37 का सफर जो है इतनी आसानी से हुआ नहीं। वाकई में समाजवादी पार्टी ने मेहनत की, जमीनी स्तर पर मुद्दों को उठाए और उसका सीधे तौर पर फायदा देखने को मिला है। लेकिन इंडिया गठबंधन ही कहीं ना कहीं बहुमत के आसपास जो है वो घूमती हुई नजर आ रही है और सबकी निगाहें टिकी हुई है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर। भले ही इंडिया गठबंधन जो है बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि नीतीश कुमार का जिस तरीके से सियासी सफर रहा है या चंद्रबाबू नायडू पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार को कई मौकों पर देखा गया है कि वो पलटी मारते हुए नजर आते हैं और अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन की जाहिर सी बात है सरकार बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ते हैं या फिर करहल विधानसभा। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिख सकते हैं। फिलहाल अखिलेश यादव के सियासी सफर को लेकर के और समाजवादी पार्टी की जबरदस्त वापसी को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।